हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हे दोस्तों, व्हाट्स अप, आई एम बैक। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि आज आपके लिए मेंटल हेल्थ के बारे में कोई स्पेशल वीडियो बनाऊं। एज पर यू नो कि 2 साल में मेरा पैरामेडिकल कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल के कॉम्पिटेटिव माहौल की वजह से लोगों में और छोटे बच्चों में मेंटल स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है? नहीं ना। और इसी के वजह से हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, लेट स्टार्ट। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना नया सेशन। कुछ जुर्म के बारे में सुनकर ही हम सोचते हैं कि कैसे कोई इंसान ये सब कर सकता है। क्या ये सच में किसी इंसान का काम है या शैतान का? आज की हमारी कहानी में हम ऐसे ही क्रिमिनल्स की मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो जुर्म करते वक्त शायद ये भूल गए थे कि वो इंसान है। देना। अरे लेना। गप। क्या रे, इतना क्यों शर्मा रही है? कल रात को तो सब कुछ हो गया ना। गप। वो सब बंद कमरे में था, यहाँ कोई देख लेगा तो। अरे अपन तेरे गांव पुलिस से बहुत दूर है, और 2 दिन में तू माधवी प्रथम कोली बनने वाली है, और फिर तो मुझे लाइसेंस मिलने वाला है तेरे साथ मस्ती करने का। कब? लग्नानंतर। प्रथम, बहुत डर लग रहा है और बहुत खुश भी हूं। तो चिप्स खा। मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ। फोन कैसे बंद आ रहा है? प्रथम, प्रथम, ए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इधर नहीं आने का। वो मेरा बॉयफ्रेंड, मतलब मंगेतर, उसको देखा क्या? इधर कोई नहीं आता, निकलो इधर से। बेटा क्या चाहिए? काका, वो मेरे मंगेतर बाथरूम गए थे,
काफी देर हो गई, वो यहाँ आए थे क्या? कौन मंगेतर? ए रविया, हाँ इकड़े। इसको देखा क्या रे? बाथरूम बेथरूम गया होगा। हाँ देखे ना। अबे इसको। नहीं मैडम, मैं अभी बाथरूम धो के आया। अगर आया भी होगा तो अब तक निकल गया होगा। निकल गया होगा? ऐसे कैसे? हम साथ में आए थे। प्रथम। प्रथम। मैडम। प्रथम। 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 अरे मैडम मैंने बोला था आपको, वो नहीं है इधर। कहीं आपको अप्रैल फुल तो नहीं बना? अरे मैडम रोइए मत, मैं हूं ना। आप रोइए मत मैडम जी, रोइए मत मैडम जी। मैडम मैं हूं यहाँ पे। चल काम कर अपना। आजा बेटा आजा, इधर बैठो। आओ ले बेटा पानी। शादी नहीं हुई ना तुम्हारी? ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। इसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूं मैं। तू टाइम खोटी मत कर, तू अपने घर चली जा बेटा। अगर मैं कभी भी कोई भी प्रॉमिस करके नहीं निभाऊ ना, तो समझ लेना कि मैं जिंदा ही नहीं हूं। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता माधवी। बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। नहीं, मेरा प्रथम मुझे धोखा नहीं दे सकता। लड़की बात सा मारू नहीं तो क्या आरती उतारू क्या इसके? तूने बोला इसलिए इसको काम पे रखा ढाबे पे मेरे। क्या बोली रे तू? ये सुधर गया, ये सुधर गया, सुधर गया। ये लड़कीबाजी करता, लड़कीबाजी करता। ये परवरिश की तूने इसकी? अरे माँ है ना तू इसकी। जैसा हुआ वैसा पाल लिया मैंने। कम से कम इसको छोड़ के किसी मर्द के साथ भाग नहीं गई मैं। शांपट्य मत कर, ज्यादा शांपट्य मत कर। संभाल तेरे बेटे को और सुधार इसको। सुधर जा, मैं तो पूरे कारनामे तेरे पुलिस को बताऊंगा। फिर जिंदगी भर सड़ता रहेगा जेल में। अरे तेरे लिए मैं यार 1000 पापड़ बेचती हूँ ताकि मरने से पहले तेरे लिए पैसा जमा करके जा सकूं। और तू लड़की बाजी करता है, क्यों समझता नहीं तू? वो लड़की रो रही थी तो उसको चुप कराने के लिए मैं उसको हाथ लगाया। तेरा बाप किसी दिन आके हम दोनों को चुप करा देगा। पहले खुद को तो संभाल, बाद में बाकी लोगों को संभालना। उस ढाबे के सिवाय तेरे पास आए क्या? संभल जा, नहीं तो किसी दिन तेरा बाप किसी नाजायज बच्चे को उठा के उस ढाबे पे बिठा देगा। फिर क्या करेगा तू?
मेरा बाप है ना तपस्दा, बहुत बड़ा वाला है, खुद चाहे जो करे, इधर मेरे को ज्ञान देने से नहीं चुकता। खुद तो मेरी आई को छोड़ दिया किसी जवान लड़की के चक्कर में, और मुझे बोलता है लड़की बाजी ना करे। बहुत गलत किया तेरे आई के साथ तेरे बाप ने, पर बेटा बाप पर ही तो जाता है। अरे तपस्दा, उस दिन वो ढाबे पे लड़की दिखी थी ना, क्या लड़की थी दादा, उसको देख के तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? अरे उसका बॉयफ्रेंड अभी गायब है, वो मैडम एकदम अकेली है। अकेली कहाँ है? हम है ना उसका अकेलापन दूर करने के लिए। इसका मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया? नहीं सर, मेरा प्रथम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। देखो माधवी, आई अंडरस्टैंड, ये सब बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, मगर हमने ऐसे कई केस देखे हैं जहाँ पे। क्या आपने प्रथम को देखा है? देखा है? नहीं ना, मैं जानती हूँ उसे, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है सर। सर मुझे लगता है कि मेरे फैमिली ने ये सब किया, वो पहले प्रथम को मारना चाहते थे। गांव छोड़ के चला जा, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को। वैसे भी तू अनाथ है, तेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, निकल। फिर सर अब गांव छोड़कर यहाँ आ गए, परसों शादी करने वाले। सर मेरे फैमिली ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा, प्लीज उसे ढूंढिए, प्रथम के सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे गांव का नाम? बोड़ी गांव। आई बोल। हुगु भाई, कार्तिक, अरे काय झाले तुला? आई कुछ नहीं हुआ है, बिना बात का पतंगड़ मत बना, नॉर्मल हूँ मैं। क्यों ना करूँ, आई हूँ तुम्हारी। अरे कितनी मार लगी है मेरे बेटे को, फिर से किसी से लड़ाई हुई क्या? आई वो एक लड़का एक लड़के के साथ बदतमीजी। मैंने कितनी बार समझाया तुझे, मैंने तुझे वहाँ पढ़ाई करने भेजा है, मारा मारी नहीं। आई अब ज्यादा ज्ञान मत दे, बाद में बात करता हूँ। अरे सुन तो मेरे, हाय दोस्तों, वेलकम टू माय मेंटल हेल्थ वीडियो चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लड़कों के बारे में जो लड़कियों के लिए यूज एंड थ्रो का एटीट्यूड रखते हैं। मैडम, हम सिर्फ हमारे कस्टमर्स को ही बाथरूम यूज़ करने देते हैं, अगर ये यहाँ पे आया भी होगा तो पीछे से आया होगा और वहीं से निकल गया होगा। मैडम आप चाहे तो पूरा ढाबा चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखा था यहाँ जिस दिन प्रथम गायब हुआ? नहीं मैडम, क्या है वो मुझे डायबिटीज है, तो मुझे टाइम पे खाना खाना पड़ता है, तो मैंने खाना खा के काम पे लग गया तो नहीं देखा। मैडम मैं था यहाँ पर अब इतने कस्टमर्स आते हैं कि मुझे भी याद नहीं। पगाड़े, कुछ भी याद आए या पता चले तो इन्फॉर्म करना। फार्म हाउस चलो। रुको 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 रुको, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इधर अंदर नहीं आने का। अरे ये इतना धुआं क्यों कर रखा है, और ये धूप बत्ती ये क्यों जला रखी है? कहते हैं कि हफ्ते में अगर एक बार धूप जलाओ तो वातावरण साफ रहता है, और
कोई बुरी शक्ति भी नहीं आती, मैं अकेला रहता है ना इधर, इसलिए। इस पे नजर रखो। मैडम, सर मुझे अपने साथ पोलीगांव क्यों नहीं लेकर गए? माधवी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम वहां से भाग कर आई हो, पता नहीं वो लोग तुम्हें देख के कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा हुआ माधवी इसी लायक थी, उसको बोलना यहाँ आने की हिम्मत ना करे, नहीं तो काट के रख दूंगा। तुम्हारे घर का राज है जो काट के रख दोगे? माना की बेटी है तुम्हारी लेकिन बालिक है, उसे अपनी अर्जी से शादी करने का हक है, समझे? और माँ बाप का हक, पैदा किया है उसको। पैदा किया तो क्या, जान से मारोगे भी? कहीं तुमने तो प्रथम को रास्ते से नहीं हटा दिया, अब यहाँ बोलोगे या थाने ले चलूं? देखो साहब, कल तो मैं यहीं पर था, पंचायत का कुछ काम था, गांव में किसी से भी पूछ लो। वो तो हम पूछेंगे। सर ढाबे पे कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, मगर सर ढाबे के पास एक फार्म हाउस है सर, वहाँ का वॉचमैन पे मुझे शक है सर, थोड़ा अजीब सा है सर। सर अपने कांस्टेबल लगाया वहाँ पे उस पर नजर रखने के लिए। और हाँ सर, ढाबे पे और फार्म हाउस पे दोनों पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। प्रथम का मोबाइल ट्रेस हुआ? सर उसका फोन आम के बगीचे में बंद हुआ था और अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। सर माधवी के गांव में पूछताछ की है, सर गांव वालों का कहना है कि माधवी के फादर को प्रथमेश और माधवी से बहुत प्रॉब्लम थी, हालांकि गांव वालों ने उसकी एलिबाई दी है, लेकिन सर वो पंचायत में, हो सकता है कि गांव वाले झूठ भी बोल रहे हैं। सीडीआर का क्या हुआ? सर उस दिन उसके फोन की लोकेशन पोली गांव की ही थी। हो सकता है उसने मोबाइल घर पर छोड़ा। सर के काम करो, उस एरिया के टोल नाका सिग्नल सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मुझे लगता है माधवी को प्रोटेक्शन देना चाहिए क्योंकि उसका बाप उसको नुकसान पहुंचा सकता है। राइट सर, मैं कुछ अरेंज करता हूँ सर। आपने इन्हें कहीं देखा? ये ध्यान से देखिए, यही कहीं देखा? आपने इन्हें कहीं देखा? यही हम वहां बैठे थे। माधवी चलना है यार, शादी करते हैं। ये क्या था? प्रपोज कर रहा हूं ऐसे ऐसे प्रपोज करेगा ना तो मैं क्या, कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। जरा सुधा रोमांटिक नहीं है ना तू? देख मैं इतना रोमांटिक तो नहीं हूं लेकिन रिस्पॉन्सिबल हूं, तेरी हर जिम्मेदारी हर जरूरत अपनी ड्यूटी मानूंगा। प्यार जताना नहीं जानता लेकिन तुझसे बहुत प्यार करता हूं मैं, इतना कि तुझे अपना नाम देना चाहता हूं। हीरे की अंगूठी तो नहीं है मेरे पास लेकिन ये हीरे लाल का बटाटा वड़ा रोज खिलाऊंगा। टोटल 1000 रुपए। और कार्तिक? हाँ काका। खाना कैसा है? बढ़िया है काका। अरे तू सलाद नहीं खा रहा? सलाद खाया कर, दिमाग तेज रहता है। पढ़ाई कैसे चल रही? एकदम मस्त है काका। काका ये पुलिस का है कोई इधर? वो एक लड़का कल गायब हो गया यहाँ से। गायब क्या हुआ, भाग गया लड़के को छोड़ के, लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस का रोज का आना जाना चालू हो गया यहाँ पे। जाओ दे, ठीक है काका, निकतो मैं। कार्तिक साइन तो कर। मर गई?
सर ये तो प्रथम ही लग रहा है। ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कोई रहता नहीं है। आज सुबह वॉचमैन ने कुत्तों की आवाज़ सुनी, जब वो यहाँ आया तो उसने ये मुंडी देखी। फॉरेंसिक के लिए भेज दो और बाकी बॉडी देखो कहाँ मिलती है, चेक करो। माधवी को फोन करो। त्रुटि, ये जगह ढाबा और फार्म हाउस इससे ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जो कुछ भी हुआ है ढाबा और फार्म हाउस के बीच में हुआ। एक काम करो, इस बीच का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और हाँ ढाबे पे नज़र रखो, देखो कोई हिस्ट्री शीटर वहाँ आता है क्या। शेर के माधवी के घर वालों की क्वालिटी टेस्ट चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी सुपारी माधवी के घर वालों ने दे दी। ठीक है एक मिनट। हेलो, क्या माधवी रूम में नहीं है? ठीक है सर, ये माधवी अपने होटल रूम में नहीं है। क्या पता करो कहाँ गई। ठीक है सर। पूरा कमरा अच्छे से चेक करो। सब कुछ नहीं। आखिर ये चली कहाँ गई? सर माधवी के पिताजी का फोन कल पूरे दिन स्विच ऑफ था। हो सकता है उसको पता चल गया कि ये प्रथम माधवी को धोखा दे रहा है, तो उसने उसको मार दिया होगा। पता करो कहाँ है। ओके सर। देखो कुछ नहीं मिलने वाला। सर तो घर के पीछे एक पेटी में तलवार मिली, इसके ऊपर खून के दाग भी है। चल अरे सब साहब मैं बोल रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया। सब प्रथम का सर कटा है, तेरे घर पे तलवार मिली जिसको खून लगा था। तेरा कल मोबाइल बंद था ना, हाँ? और तूने पोली गांव से भंडारा ट्रैवल किया था, कंडक्टर ने पहचान लिया तेरे को। अरे साहब भंडारा के पहले तीन गांव निकलते हैं, हम लोग राबाड़े गए थे वसूली के लिए, इसलिए तलवार थी हाथ में। और मैंने तो अपनी बेटी का श्राद्ध उसी दिन किया था जिस दिन उस लड़के ने उसको छोड़ा था, तो फिर मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को? वो तो बोलेगा क्यों मारा तूने बेटी को बगाटे, कहला इसका मारना खर बोलेगा। और इसका अलिबाई चेक करो भंडारा गांव का। अरे सर पुराने केस की फाइल में से एक बड़ा अजीब सा केस मिला है सर, लगभग 6-7 महीने पुराना होगा सर। सर इसमें संभाजी ने क्लेम किया है कि उन्हें ढाबे के खाने में इंसान की उंगली मिली थी। सर मैंने एविडेंस मंगवाए हैं और उसमें एक रिंग मिली है सर। कितने महीने पहले का केस है? सर लगभग कुछ 6-7 महीने पुराना केस था सर। सर मेरे से पहले जो ASI थे उन्होंने एक केस लिखा था और उसके बाद ये केस क्लोज कर दिया, पर सर संभाजी का कहना है कि बाबूराव और संभाजी की कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था सर, उसके बाद उन दोनों की जो पार्टनरशिप थी ढाबे में वो ख़त्म हो गई थी सर। तो सर बाबूराव का कहना है कि संभाजी उनके ढाबे को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। 6 महीने पहले का केस मतलब मेरी ट्रांसफ़र होने के पहले का। एक काम करो, उस वक्त जिस ASI ने लिखा था केस उससे कॉन्टेक्ट करो, फॉलोअप लो इस केस का, उस संभाजी के बारे में डिटेल्स निकालो और अंगूठी के बारे में भी। सर सर ये माधवी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कल शाम को कुछ लोगों ने उसे होटल में देखा था और उसके बाद से वो गायब है। उसका फ़ोन भी वो होटल के आसपास वाले एरिया से स्विच ऑफ है। ये होटल सुनसान एरिया में ना, जंगल जैसे। एक काम करो श्रीते, अपनी टीम को सर्च करने के लिए बोलो और CCTV फुटेज में देखो कोई गाड़ी पास हुई है क्या। राइट सर। ये तो काका
सर माधवी की बॉडी मिली है। सब बहुत ब्रूटल हुआ है। बॉडी के प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गए हैं। सब बॉडी पे अंडरगार्मेंट्स भी नहीं है, बस ये कुर्ता है। आईडी, पर्स, मोबाइल ऐसा कुछ भी नहीं मिला। शिरके, ना तो फेटल वुंड्स दिख रहे हैं, ना तो स्टैबिंग वुंड्स। इसको गला दबा के मारा है। प्रेस्टिसाइड, प्रेस्टिसाइड की बात आ रही है ना। एक काम करो शिरके, इस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी है सबका फुटेज कलेक्ट करो और आसपास पता करो कहीं पेस्टिसाइड का कारखाना या शॉप है क्या। अब तक पुलिस को लग रहा था ये ऑनर किलिंग का मामला होगा। माधवी के घर वालों ने प्रथम को मारा होगा, पर माधवी के रेप और मर्डर के बाद केस पूरी तरह पलट गया था। शायद माधवी को पाने के लिए किसी ने प्रथम की जान ली हो, कोई एक्स बॉयफ्रेंड या जिल्टेड लवर जिसने माधवी के साथ इतना ब्रूटल रेप किया था। पुलिस के सामने कई एंगल थे जो उन्हें टटोलने थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को बाबूराव के ढाबे के बारे में अजीब अजीब बातें पता चल रही थी। कभी तो लग रहा था कि पुलिस के सामने दो अलग अलग केसेस हैं, और कभी ऐसा लग रहा था कि दोनों केसेस में कोई ना कोई कड़ी है जो उन्हें जोड़ती है। पर माधवी के रेप इन्वेस्टिगेशन में एक तीसरा एंगल सामने आया जो पुलिस ने भी नहीं सोचा था। सर, ये एक पेस्ट कंट्रोल की गाड़ी है जो 10 दिन पहले चोरी हो गई थी, लेकिन जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इसका नंबर चेंज किया गया, लेकिन गाड़ी वही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, माधवी जिस होटल में रह रही थी ये गाड़ी 2 से 3 बार वहाँ देखी गई। ड्राइवर पे जूम कर। ये चेहरा जाना पहचान लगता है, ये तो मुन्ना बख्शी है, सीरियल रेपिस्ट। मुन्ना बख्शी? हाँ, अरे ये भोपाल पुलिस को वांटेड है ये 3 रेप केस और 2 मर्डर केस में। हाँ सर, इसके बारे में सुना तो है, बड़ा ही साइको है। अरे मैं नागपुर में था ना तो भोपाल पुलिस के साथ इसको ढूंढ रहा था, नहीं मिला मुझे, अभी मिलने से ठोकता हूँ इसको। मैडम जी, कहीं जाना है आपको? बस ये आगे शंकरवाड़ी है ना, वहीं तक जाना। शंकरवाड़ी? मैडम वो तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मैडम, वहां तक आप चल के जाओगी? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा चलो, आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी मम्मी को फोन कर देती हूँ। हेलो, हाँ मम्मी, मुझे गाड़ी मिल गई है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चले सब, चल पुलिस स्टेशन। मैंने क्या किया सब? मारो और मारो, मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है। मारो और मारो। तेरे जैसे मर्दों की वजह से औरतों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ है, समझा? माधव को तूने मारा ना, उसका रेप तूने किया ना, तेरे वैन में सारे सबूत मिले, उसकी सलवार, मोबाइल, पर्स। अपुनिश मारा उसको। अपुनिश उसका रेप भी किया, बहुत मजा आया। मर गई? प्रथम, प्रथम का मर्डर भी तूने किया ना? उसका सर काटा तूने, उसकी बॉडी कहाँ है? कौन प्रथम? उन मर्दों को हाथ नहीं लगाता, अपने को तो खाली औरतें अच्छी लगती है। शिरके, माधवी के फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और प्रथम की बॉडी ढूंढ लो। बगाटे,
दो दिन कोर्ट को छुट्टी है। इसकी चार्जशीट बनाने के पहले इसको इतना मारो कि इसके बॉडी का पार्ट काम करने लायक नहीं रहना चाहिए। अब हंस। सर, मुझे मेरे बेटे कार्तिक की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? 15-16 दिन पहले। क्या करता है? मेडिकल स्टूडेंट है साहब, यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। बड़ा ही होशियार है मेरा बेटा। पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि 15 दिन में एक बार मुझे फोन करता था। परसों उसका जन्मदिन था, इसलिए मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। 3 दिन से वो फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं उसके कॉलेज भी गई, तो वहां पता चला कि 14 दिन से वो कॉलेज ही नहीं आ रहा है। किसी के साथ झगड़ा, दुश्मनी, कोई मारपीट, ऐसा कुछ हुआ था उसका? इसे गुस्सा बड़ी जल्दी आता था साहब। अगर कोई किसी लड़की से छेड़खानी करे या बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी से पेश आए तो उनसे उसकी लड़ाई हमेशा होती थी। जब आपकी उसके साथ आखिरी बार बात हुई तो कहाँ था वो? कॉलेज, हॉस्टल? साहब, वो खाना खाने जा रहा था किसी भोसले खानावल में। वो हमेशा वही खाना खाता है साहब। भोसले खानावल, ठीक है। त्रुटि, इन जगह ने डिटेल घूम टक, और इनके साथ जाओ कॉलेज और हॉस्टल, देखो क्या है। साहब चलिए। मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना साहब? हाँ मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिए, उसको ढूंढ के निकाले हमने। शिरके, ये भोसले खानावल का जरा चेक करो मेरा। ऐसे कैसे गायब हो गया लड़का? तुम बता सकते हो ना बाबूराव, तुम्हारा दावा है। पहले प्रथम, अब ये कार्तिक, दो लड़के गायब हो गए तुम्हारे धाबे से। नहीं, प्रथम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ कार्तिक के बारे में जानता हूँ। उसका खाता चलता है यहाँ पे। ये देखिए ना सर, ये देखिए सर, ये 4 तारीख को उसने आखिरी साइन किया था। पुलिस क्या कर रहे हैं? कॉल भी आया था। तवज्जो, तुम निकलो, मैं देखता हूँ। बाबा, वो ढाबे पे ऐसे पुलिस हर रोज आते जाती है तो बहुत बदनामी हो रही है ढाबे की। चुप कर। तेरा नाम क्या है बेटा? रवि। रवि बेटा, इंसान के बदनामी से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी जान है, समझा ना? हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आते, तुम्हारे ढाबे के खिलाफ कंप्लेंट आई है इसके पहले भी, समझा? साहब अब क्या कहेंगे साहब, जिसका धंधा अच्छा चलता है ना उसके अपने भी जलने लगते हैं। मेरा पार्टनर था संभाजी, बहुत दारू पीता था, बोलता था यहाँ पे लड़की लोग खड़ा करेंगे और ट्रक ड्राइवर के लिए। साहब मेरे को फैमिली ढाबा चलाने का है, तो हमारी लड़ाई हो गई, मैंने उसको निकाल दिया, उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब क्या कहे साहब, ये कौन करता है क्या जाने? कोई तो सब पता करना है ना, ये सब कौन कर रहा है, समझे रहे हो बेटा? स्मिता, पकड़ चेक करो। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढिए। आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, मैंने कार्तिक के बारे में पता किया। सर, सबने उसकी बहुत तारीफ करी। थोड़ा टेढ़ा था सर, पर बहुत हेल्पफुल था सर, अपने काम से काम रखता था सर। और हाँ सर, कार्तिक की लास्ट लोकेशन ढाबे के पास ही की थी। तेरी क्या चल रहा है शिरके अपने शहर में? हाँ ऐसे बार बार आदमी हवा में कहाँ गायब हो रहे? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वो संभाजी की मिसिंग कंप्लेंट का क्या हुआ? सर, मेरी उसकी वाइफ से बात हुई थी। हाँ। उसका कहना है कि संभाजी की डेथ 4 महीने पहले ही हो गई है। कुछ अजीब सी बात कर रही थी, कह रही थी कि संभाजी कोई काले जादू की वजह से मरा है, और ये संभाजी ने ढाबा इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि ये बाबू राव ढाबे में इंसानी मांस परोसता है। क्या
सर मेरी ऑन ड्यूटी एएसआई से बात हुई थी सर, उन लोगों ने मामला चेक किया था, उन्होंने बोला उन्हें कुछ नहीं मिला सर, सब आपसी रंजिश का मामला है। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है। ये बाबरों की कुंडली चेक करो, अर्शिल की अपने पुलिस स्टेशन के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ की मिसिंग कंप्लेंट क्रॉस चेक करो, और वो संभाजी के खाने में जो अंगूठी मिली थी वो उनसे आइडेंटिफाई करवा। और एक काम करो, अपने खबरियों को अलर्ट करो और पता करो कि उस ढाबे से किसी ने ह्यूमन मीट खाने की या खरीदने की बात की है क्या। उस ढाबे का खाना चेक करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर हम उसका खाना खुद लेने जाएंगे या फिर किसी से मंगवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो सही आइटम देगा। इसलिए कहता हूँ सिर के चार चम्मच शक्कर की चाय पिया करो, दिमाग की बत्ती जलेगी। हम खुद नहीं जाएंगे वहाँ, हमारा कोई इक्का जाएगा वहाँ। जी नमस्ते। नमस्ते, आपके पास चिकन मटन कुछ मिलेगा? हाँ सब मिलता है यहाँ। एक काम कीजिए, 5 प्लेट मटन दीजिए, मटन मसाला 5 प्लेट। हाँ एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। और ये 15 जन के लिए चिकन कितना लगेगा? 5 प्लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है 5 प्लेट दीजिए। 20 रोटी दीजिए जी। और अपने पास जीरा राइस है? हाँ। हाँ तो वो एक 10 प्लेट पार्सल दीजिए, और पीसेज जरा अच्छे से डालना। अरे आप खा के तो देखिए, 1000 रुपये हो गया। अच्छा रवि। हाँ ये ले, फटाक से बना जालो कर। क्या पार्टी है क्या साहब? हाँ बस पार्टी ही समझिए, हम लोग एक कंपनी का कॉन्फ्रेंस है 1 महीने के लिए, तो हम लोग इधर ही है। कंपनी ने पैसा दिया है होटल का खाना खाने के लिए, लेकिन ढाबे का खाना सबसे अच्छा और सस्ता है ना। इसलिए 1 महीना हम लोग आपके पास ही खाना लेके जाने वाले। फिर तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। अरे क्या बात, थैंक यू। आप बैठे, आपका पार्सल तैयार होता है, तब तक आप चाय पीजिए जी। दीपक साहब के लिए चाय ला। जी आपका नाम क्या है? बाबूराव। अच्छा बाबूराव, थैंक यू। ए रवि पार्सल तैयार हुआ कि नहीं? हाँ हाँ। लौकर सब। हाँ एक सेकंड। चलो बाबूराव जी, थैंक यू। सुपर, सही बकरा हाथ लगा है। नहीं तपसदा, ऐसे साथ बहुत लोग है। अरे नो प्रॉब्लम, प्रोफाइल में फिट बैठता है तो उठा लेंगे। क्या रे तुम लोग का नाटक फिर से चालू हो गया क्या? पुलिस की नजर है ढाबे पर, ध्यान में रखना, अपने हाथ पे काबू रखो, समझे? और तू सुधर जा। भाई साहब ये मेरा बेटा है, यही रहता था, आपने कहीं से देखा है? देखिए देखिए ठीक से देखिए, कहाँ गया होगा? हाँ आपने इसे कहीं देखा है? सचिन तृप्ति शिव सर है, इज फ्रॉम नागपुर कमिश्नरेट। मैंने खास इस केस के लिए उनके ट्रांसफर करवा लिया रिक्वेस्ट में। जैन सर। जैन। जैन सर। जैन। सचिन ये खाना है उस ढाबे का, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। लेकिन सर एक दिन के खाने में कैसे पता चलेगा इसमें कुछ गड़बड़ है? आई मीन उन्हें डेली इंसान तो मिलेगा नहीं ना। पूरे 1 महीने तक खाना आएगा और फॉरेंसिक के लिए जाएगा। तुमने कुछ डिटेल्स निकाली केस की? हाँ सर, ढाबे पे जो जो लोग काम करते हैं उनका बैकग्राउंड मैंने चेक किया सर, कुछ खास नहीं मिला। सर बाबू राव की एक बीवी और उसका एक बेटा है सर, जिन्हें वो पहले ही छोड़ चुका है सर, वो यहीं पास में ढाबे के पास एक गांव में रहते हैं। सर मैंने पिछले 1 साल की मिसिंग कंप्लेंट चेक की है, ऐसे 5 लोगों के नाम मिले हैं जो ढाबे के आसपास से गायब हुए हैं। सर एक मिनट। सर ये हैं वो 5 लोग, कार्तिक बोले, प्रथम कोहली, मानव कोल, सृजेश नायर और अंकित जैन। सर अंकित जैन पहला विक्टिम था जो ढाबे के पास से गायब हुआ था, इसकी मिसिंग कंप्लेंट पूना में हुई थी, लेकिन ये गायब हुआ था गोंदिया बॉर्डर से जो ढाबे के पास ही है, और संभाजी को खाने में जो अंगूठी मिली थी वो इस अंकित जैन की ही थी। सर क्या? हाँ सर, सर अंकित जैन की वाइफ से मेरी बात हुई थी, उसने हमें कंफर्म किया ये उसकी वेडिंग रिंग है सर। सर उस फोटो भेजिए उसने, एक मिनट ये देखिए। लेकिन ये रहता पुणे में था तो यहाँ क्या कर रहा था? सर ये अंकित जैन सिविल इंजीनियर था, साइट देखने के लिए गोंदिया आया जाया करता था, लेकिन इसकी बीवी ने बताया कि ये बाहर खाना वगैरह नहीं खाता था, तो मतलब हो सकता है कि ये ढाबे पे वॉशरूम यूज करने के लिए रुका। स्वाति और माधवी ने यही कहा था कि प्रथम वहाँ वॉशरूम के लिए गया था। हाँ सर। अंकित की बीवी ने और कुछ बताया?
नहीं सर। तृप्ति शिर्के, इन सारे विक्टिम्स में कोई कॉमन कनेक्शन की चेक करो। शिव, वो ढाबा अच्छी तरह सर्च करना। जी। जिस दिन प्रथम गायब हुआ उस दिन तुम थे ढाबे में, क्या देखा तुमने? हाँ, उस दिन अपन ढाबे पे ही था। वो लड़का बाथरूम की तरफ गया, फिर उसके पीछे वो ढाबे वाला बंदा गया, लेकिन आते समय वो ढाबे वाला बंदा अकेला ही आया। अपन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। फिर माधवी आई, अपन उसके ऊपर ही अटक गया। कहानी खत्म। लेकिन अब आप ये सब झमेला बता रहे, लगता है कुछ लफड़ा है। इनमें से कौन था? नहीं, ओ पीछे वाला, यही। हाँ सर, तपस के बारे में पता करो। ठीक है सर। सर, ये तपस 2 साल पहले ही बंगाल से यहाँ पे आया है, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बाबूराव को 3 महीने से ही मीट सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये अंकित तो 6 महीने पहले गायब हुआ। राइट सर। वैसे ये तपस और भी बहुत सारी दुकानों पर मीट सप्लाई करता है, सभी से बैकग्राउंड चेक किया है, लेकिन कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई है। नहीं नहीं शिरके, मेरा गट फीलिंग कह रहा है ये तीनों ने कुछ कांड किया है। एक काम करो, शिव को अलर्ट कर दो, और ये तपस, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बंगाल पुलिस से निकलवा। राइट सर। ये कार्तिक का आखिरी हिस्सा, अब इसका कीमा बनेगा। हाँ पता है, पूर्णिमा आने वाला है। हाँ, बाबा के लिए नया ताजा खून ढूंढना पड़ेगा। वो शिव एकदम फिट बैठता है। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक है, करता हूँ मैं कॉल। हाँ नमस्ते बाबूराव। अरे नमस्कार नमस्कार। पार्सल रेडी है? हाँ बस 10 मिनट। अच्छा, मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। जी जी। ए दीपक, पार्सल रेडी करना। शिरके लो कर यार। व्हाट? शिरके, ये लोगों को यहाँ इंजेक्शन देके इस स्टोर रूम में छुपा देता है। क्या रे? वो बाबूराव काका ने बोला था हमको ये करने के लिए। बाबूराव ने बोला? चल चल, हम कुछ नहीं किए सब। हम कुछ नहीं। वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चल पुलिस स्टेशन बताता हूँ क्या हो रहा है। चल सर। चल बोल। वो बाबूराव ने बोला था करने को साहब। साहब मेरा बाप ये सब हमसे करवाता था। साहब पता नहीं वो दोनों मेरा नाम क्यों ले रहे, लेकिन सच्ची में साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, तेरे बाप ने बोला और तुम दोनों ने किया, इतने भोले बच्चे हो, नाटक कर रहे हो? वो बाबूराव ये रहा है साहब। हाँ साहब, मेरे बाप का तांत्रिक प्रवृत्ति सब वही हमसे ये सब उल्टा सीधा काम करवाता था। मेरे बाप ने हम लोगों को रेप करते हुए पकड़ लिया था, तब से ब्लैकमेल करने के लिए सब वो हमसे ये सब काम करवाता था।
इंसानी मांस? जी साहब, ये ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, वो रेप वाली बात सच है साहब। ये दोनों ने हमारे यहाँ पे एक बाई थी काम करने वाली, उस पर रेप किया था। मैंने वो बाई को पैसे दे दिए थे साहब, और इन दोनों पे नज़र रख रहा था साहब। ये लड़कीबाजी ना करे ये मैं सोच रहा था, लेकिन ये लड़की उठाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बाबूराव, दो लड़के तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगी। प्रथम और कार्तिक मिलाकर 6 लड़के गायब हो गए तुम्हारे ढाबे के आसपास, और पहली कंप्लेंट आई 12 नवंबर को अंकित जैन की। 12 नवंबर? हाँ साहब, 12 नवंबर के दिन तो मैं मेरे दोस्त के बेटे की शादी में गया था। वो दोस्त मेरा मेरे ढाबे पे काम करता था, उसके बेटे की शादी थी। आप चाहे तो चेक कर लीजिए साहब, ये 6 महीने पहले की बात है। ये तुमने नहीं किया तो किसने किया? इन डेट्स पे इन तीनों के एलिबाई चेक करो। तपस और रवि के फोन में कुछ मिला? सर, मैंने तपस के बारे में चेक किया। सर, वो अपने एक दोस्त से रोज बात करता था बंगाल में। सर, मैंने बंगाल पुलिस को बोला है इस बारे में पता करने के लिए। और हाँ सर, रवि, सर रवि, तपस, अपने माँ बाप, इनके अलावा ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। सर, मेरी बंगाल पुलिस से बात हुई है। सर, उनका कहना है कि ये तपस बचपन से ही बड़ा वायलेंट किस्म का लड़का था। अच्छा। घर में अपने जानवरों को मार दिया करता था, एक बार तो अपनी छोटी बहन का सर भी फोड़ चुका है। इसी वजह से घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, रवि ये सारे झमेले में फंसा कैसे? सर, सर आईडी डिपार्टमेंट से फोन था। सर, तपस ने रवि को ये कुछ तंत्र सिद्धि के नोट भेजे थे। सर सर, ये तंत्र 7 जन्मों तक पति को साथ रखने के। तपस ने रवि को क्यों भेजे? सर, कहीं ये रवि गे तो नहीं है और शायद किसी से प्यार करता हूँ, या फिर किसी औरत का हाथ है सबके पीछे। एक पति पाने के लिए तुमने 6 लोगों को मार दिया। नहीं साहब, वही पति 7 जन्म मिलने के लिए, ये तो बहुत छोटी सी कीमत है ना साहब। अरे कीमत छोटी नहीं, तुम्हारी अकल छोटी है, मूर्ख भाई है तू। वो तपस ने तुम्हें तंत्र मंत्र के जाल में फंसा दिया। उसको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था, समझी? लोगों को मारना उसको अच्छा लगता था, चस्का था उसको लोगों को मारने का। सच्ची है तो फिर मेरी साधना का क्या होगा, मेरा तंत्र? मेरा पति मेरे को 7 जन्म नहीं मिलेगा अभी। 7 जन्म क्या, ये जन्म भी नहीं मिलेगा अभी। लोग साधना क्यों करते? अपनी बुराइयों को काबू में करने के लिए। तुमने ये जो किया ये अंधविश्वास और क्राइम था। अब रहो, सड़ो जेल में, बाकी तपस्या जेल में करो। तुम, तुम्हारा बेटा और तपस जेल के बाहर जिंदगी भरने निकलेगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा मैं। याद रखिए, लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट से हासिल नहीं होता, और ना ही हम किसी और को काबू में कर सकते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा, और हमें इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।